गुड इवनिंग एवरीवन जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ आ रही है गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ आ रही है ऑल क्लियर अरे जल्दी से बताओ हाँ ना बताओ फिर क्लास स्टार्ट करें यस सर ऑल क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन में तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे साइंस के एम ठीक है चलिए तो डिस्कस करते हैं आज हमारे साइंस के एम फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जाम और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल जैसा आप सबको पता है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100% परसेंट यहाँ पे फॉलो करना है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो ही तो आप भी आके जुड़ सकते हैं सारे लेक्चर पी वगैरह सब कुछ यहाँ पर शेयर किया जाता है ठीक है और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप जो है ई मेल के ऊपर जैन हमारे विपन डॉट स्टडी आई क्यू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पर अपना कोई भी एग्ज़ाम पेपर है आपका अगर कोई रिसेंट में होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं कल हम असम पी का जो पेपर इसमें डिस्कस करेंगे हमारी दोपहर में तीन बजे क्लास होगी ठीक है तो उसमें असम पी का पेपर मैं डिस्कस करूँगा पार्ट वन और इसके अगले दिन पार्ट टू डिस्कस करेंगे सारे हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे ठीक है जैसे अब हम एम सी यू डिसकस करेंगे साइंस के अगर आप ऐसे ही मेरे से साइंस के पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं जी के अंतर्गत तो वो आप मेरे पेड कोर्स से भी पढ़ सकते हैं टेन थाउजेंड एम सी कोर्स से जिसमें हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम सी यू डिस्कस किया डिटेल में प्लस यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है तो उसको मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं आ, और आप जो है जी कोर्स ये हमारा पूरा का पूरा थियोरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें हमने स्टडी करी हैं अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से या तो स्टडी आई क्यू ऐप से ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से ले सकते हैं स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही नजर आएगा होम पेज यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन यहाँ पे दिखेगा व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जी एस कोर्स तीसरे नंबर पे नजर आएगा और टेन थाउजेंड चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेस करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं और मॉक टेस्ट जो मैं बात कर रहा हूं तो मॉक टेस्ट नंबर आठ हमारा अपलोड होगा 18 सितंबर को और ये अपलोड कहां पे होता है अगेन 10,000 थाउजेंड कोर्स में जिसमें जो लेवल होता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं चलिए जी फटाफट फड़ बताइए जी विच आर द फॉलिंग इंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड देखिए इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो आपके सॉरी इंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में डिवाइड कर देता है पहली बात तो जितने भी कोई भी इंजाइम होंगे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे या तोड़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं प्रोटीएज कहा जाता है प्रोटीएस कहा जाता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्लियर और हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी हॉर्मोन हैं हमारी बॉडी के रिलेटेड हैं जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको हमारा जो आपका जो इंजाइम है पैप्सिन रेनिन ट्रिप्सिन ऑल दीज आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्लियर हो गया सभी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैप्सिन और रेनिन जो है ये स्टमक अमाशिया के अंदर निकलते हैं और ट्रिप्सिन जो है आपका पेंक्रियाज जानी कि अग्नाशय के अंदर निकलता है और दोनों आपके क्या करते हैं अगेन प्रोटीन डाइजेशन करते हैं आपको पता है ठीक इस है इसमें लेकिन रैनिन इंजाइम इंपॉर्टेंट है रैनिन इंजाइम क्या करता है दूध में मिली प्रोटीन कैसिनोजन दूध में एक प्रोटीन पड़ती है कैसिनोजन उसको क्या करता है कैसीन में जो है आपका कन्वर्ट कर देता है ध्यान रखना तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर वन क्लियर हो गया लैक्टेज आपका दूध को अगेन uh, क्योंकि लैक्टोज शुगर होती है किसमें दूध में तो उसको डाइजेस्ट करवाता है यूरीज़ यूरिया के लिए और जाइमेज इंपॉर्टेंट है एक होता है जाइमेज एक होता है इन्वर्टेज देखिए इन्वर्टेज की अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्टेज एंजाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो जो सुक्रोज होता है सुक्रोज ये इन्वर्टेज एंजाइम इसके ऊपर काम करता है ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज में जो है ये डिवाइड हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्लियर अगर हम ग्लूकोज को ग्लूकोज़ को शराब में तब्दील करें यानी कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आपका एंजाइम कौन सा काम करता है डेट इजमेज ध्यान रखना और इथेनॉल मतलब शराब यहाँ पे क्लियर ये शराब की बात आती है और ये कौन सा प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन किनवन जिसे आप कहते हैं किनवन क्लियर और ये कौन सा प्रोसेस होता है दिस इज द एनारोबिक एनारोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका डेट इज ए एम दैट इज पैप्सिन इज द करेक्ट आंसर पैप्सिन क्लियर ये सारे एंजाइम हैं देखिए ये सारे के सारे जो हैं आपके शुगर को एमिलेज माल्टेज लैक्टेज वगैरह और पेप्टिडेज प्रोटीज पैप्सिन ये सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अगला बताइए क्वेश्चन बोलता है इनमें से फीमेल हार्मोन कौन सा है जो आपका सेकेंडरी सेक्शुअल हार्मोन भी है और इसमें होता है इट्स नॉट एस्ट्रोन इट्स एस्ट्रोजन स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं एस्ट्रोजन्स सो so, दिस इज अ फीमेल हॉर्मोन दैट मीन्स सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन क्लियर हो गया जब प्रेगनेंसी होती है जब जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है ये स्पेलिंग गलत है एस्ट्रोजन वर्ड आएगा क्लियर हो गया आप लोगों को टेस्ट्रोसिरोन मेल्स में होता है अगर हम बात करें मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी बिल्डअप होती है मसल मास ज़्यादा होता है बॉडी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं अब जैसे आपने देखा होगा Uh, जैसे लोग स्टीरोयड लेते हैं जब जिम करते हैं स्टीराइड वगैरह लिए जाते हैं लेते हैं लोग ठीक है तो स्टीराइड जब लेते हैं तो उनकी बॉडी में एक्चुअली वो क्या इंक्रीज होता है जिसके कारण उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से शेप बन जाती है और मसल्स बन जाते हैं और सिक्स पैक निकल आते हैं वगैरह वगैरह बहुत जल्दी ठीक है तो एक्चुअली क्या है कि स्टीरोयड जब जैसे ही जाते हैं वो हमारी बॉडी में टेस्ट्रोसिरोन हार्मोन की जो है मात्रा वो बढ़ा देते हैं टेस्टोसिरोन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है बॉडी मास बढ़ेगा हेयर जो आपकी बॉडी के ऊपर हेयर्स वगैरह ज्यादा आएंगे क्लियर ऑलरेडी कई बार क्या हो तो होता जाता है एज में तभी बुढ़ापा होगा एक्टिव होगा तो बात है वो यंग भी रहेगा ध्यान रखना और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायरोइड ग्लैंड से निकलता है और आयोडीन अगर आप प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन आपका निकलता रहता है और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर थाइरोक्सिन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर गेंगा रोग भी हो सकता है याद रखना तो आंसर नंबर क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर एस्ट्रोजन इज द राइट वन एस्ट्रोजन क्लियर यहां पे देखिए जी एस्ट्रोजन जो है ये आपका सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट फीमेल्स के अंदर और फीमेल्स में एक हॉर्मोन और निकलता है प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन क्या करता है जो एग होता है जब एग होता है उसको फर्टिलाइज करके इम्प्लांटे इम्प्लांट करना वो किसका काम होता है प्रोजेस्टिरोन का काम देखने को मिलता है और ऐसा ही हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जिसे आप कहते हैं वो ओवोलेशन में हेल्प करता है और ऐसा ही आपका एफ एस एच होता है फॉलिकुलर स्ट्यमुलेटिंग हॉर्मोन जो फॉलिकल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है सो दीज ऑल आर दीज ऑल आर द हॉर्मोन्स इन द फीमेल बॉडी सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूंगा मेरे दिमाग में अभी आया था हाँ एक क्वेश्चन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबको पता होगा ये ओरल कॉन्ट्रासप्टिवस अगर कोई जो है कोई पेरेंट ठीक है कोई पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर गया मतलब ऑब्वियसली बात है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गया और वो बच्चा नहीं चाहते तो ऑब्वियसली बात है कि 72 टू आवर्स के अंतर्गत एक लड़की को एक पिल दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्लियर जिसके कारण क्या होगा इम्प्लांटेशन नहीं होगा मतलब बच्चा नहीं बनेगा अगर एग और जो स्पम है वो मिले हैं तो ऑब्वियसली बात है बच्चा बनेगा अगर वो बन मतलब नहीं होना देना चाहते तो क्या होता है कि वो पिल दी जाती है वो पिल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है अगेन जो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रेगनेंसी को दूर करता है याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखें क्लियर हो गया आप लोगों को यस आंसर नंबर सी एस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर ईस्ट्रोजन चलिए अगला आंसर बताइए विच द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल इनमें से ऐसा कौन सा बहुलक है जो जैव निम्नीकृत नहीं है मतलब क्या हो गया बायोडिग्रेडेबल नहीं है डैट मीन्स इंजाइम बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते और उसको तोड़ नहीं सकते क्लियर नेचुरल प्रोसेस से आपका तोड़ नहीं सकते यस yes, बिल्कुल बताइए कौन सा है डीकम्पोज नहीं किया जा सकता सेलुलोज तो किया जा सकता है सेलुलोज तो प्लांट की आ, आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया वगैरह काम कर सकते हैं प्रोटीन बिल्कुल कर सकते हैं स्टार्च बिल्कुल कर सकते हैं पी बिल्कुल नहीं कर सकते पी को आप जो है इंजाइम वगैरह माइक्रोज वगैरह इसको डिकम्पोज़ नहीं कर सकते इसके लिए अलग प्रोसेस

अगर आपसे पूछा कि ये बताइए नेचुरल पॉलीमर कौन से हैं नेचर में पॉलीमर कौन से हैं तो उसका आंसर क्या बनेगा सेलुलोज प्रोटीन स्टार्च न्यूक्लिक एसिड दीज ऑल आर द जो है नेचुरल आपके पॉलीमर नेचर में अपने आप प्रेजेंट हैं अगर आपसे पूछा ये पीवीसी क्या है दिस इज द जो है आर्टिफिशियल पॉलीमर है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन पीवीसी इज़ द करेक्ट आंसर पीवीसी चलिए जी अगला आंसर बताइए क्वेश्चन देखिए क्या है स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये यूपीएससी में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका ठीक है क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं करता नॉट करेक्टली मैच कौन सा पेयर मैच नहीं करता फटाफट बताइए एल्यूमिनियम की जो ओर है वो बॉक्साइट है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है जिंक की कैलामाइन है ये भी आपका ऑप्शन सही है कॉपर की सिनाबार जो है ये गलत है कॉपर की नहीं है सिनेबर जो है वो मरकरी की होती है मरकरी क्लियर एच डी जिसे आपकी ओर्स ऑफ कॉपर तो ये तो नहीं है आयरन की जो है हेमेटाइट है ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी ऑप्शन मैच नहीं है तो बी इज द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन क्लियर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आती हैं जैसे एल्युमिनियम की मतलब और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं एल्युमिनियम आपका अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है एल्युमिनियम एल्युमिनियम की बॉक्साइड तो है ही है और क्रायोलाइट क्रायोलाइट इज ऑल्सो द जो है आपकी ओर है याद रखें जिंक की कैलामाइन भी है जिंक पायराइट भी है और जिंक जो है हमारा फिजिक्स में गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस होता है जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो उसके ऊपर किसकी पर चढ़ाते हैं इज जिंक की चढ़ाते हैं और जिंक जो होता है ये आपका इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में भी हेल्प करता है और इंसुलिन मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में हार्मोन है जो पैंकरिया से निकलता है बीटा सेल से निकलता है जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ये ग्लाइकोजन जहां पे कहां पर जाकर स्टोर हो जाती है लीवर में और मसल सेल्स में स्टोर हो जाती है याद रखें क्लियर और आयरन की तो बहुत सारी हेमेटाइट लेमेनाइट आयरन पायराइट और साइड्राइट और जो है लेमेनाइट साइड्राइट जो है ये सारी आपको ओर मैंने बता रखी हैं और आयरन पायराइट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं फूल्स गोल्ड एफ ई एस टू फूल्स गोल्ड उसको कहा जाता है आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यस आंसर नंबर बी अगला बताइए जी क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है सी ग्रास इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट देखिए जब समुद्र की बात आती है समुद्री घास की बात आ गई समुद्र से जो मेन लिंक करता है वो आपका क्या लिंक करता है आयोडीन तो आंसर नंबर क्या बनेगा ए आयोडीन इज द करेक्ट आंसर आयोडीन इसको कहते हैं बिल्कुल जी सी फूड के अंतर्गत जो है सी ग्रास के अंतर्गत तो मेनली आपको क्या मिलता है आयोडीन देखने को मिलता है और मैंने आपको बताया था आयोडीन की कमी थायरोक्सिन की कमी थायरोक्सिन की कमी मतलब थाइरॉयड ग्लैंड काम नहीं कर रही इट मीज ग्वाइटर गेंगारोग हो सकता है क्लियर आंसर नंबर ए इज़ द राइट वन ब्रोमीन की अगर हम बात करें अगर आपसे पूछा कि ऐसी मेटल बताइए जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो तो मरकरी तो होती ही होती है ब्रोमीन भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर याद रखना ब्रोमीन और Uh, एक होता है ब्रोमीन एक होता है बेरियम दोनों में कन्फ्यूज़ मत कर जाना ब्रोमीन जो होता है वो आपकी अलग चीज़ है बेरियम अलग चीज़ है बेरियम जो होती है इसको पटाखों में हरा रंग आता है ग्रीन कलर आता है तो वो बेरियम के बेरियम के कारण देखने को मिलता है क्लोरीन जो म्युनसिपैलिटी में म्युनसिपैलिटी का जो पानी आता है जिसे कहते हैं कि वो उसके अंतर्गत जो है साफ़ पानी आ रहा है एक्चुअली उसमें क्या करते हैं वो क्लोरीन मिलाते हैं जिसके कारण वो पानी शुद्ध हो जाता है क्लियर तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आयोडीन सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आयोडिन इज द करेक्ट आंसर क्लियर आयोडिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस करता हूँ तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन शायद वो कुछ मिस्टेक्स है रा, राइटन, मतलब रिटर्न में क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था मैं अपने जो जो ये टाइप राइटर को तो मैं बताना भूल गया था कि ये क्वेश्चन हटाना है क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था जो भी है उसको मैं देखूंगा तब डालूंगा उसके अंतर्गत बट अभी चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन देखिए जी क्या है जी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ए नॉर्मल सेवनटी के जी अडल्ट ह्यूमन बींग इज अप्रॉक्सीमेटली देखिए सीधी सी बात है वो ब्लड की जो है आपकी वॉल्यूम पूछ रहा है पहली बात तो ब्लड क्या है फ्लूड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू तरल संजोजी उत्तक देखने को मिलता है 7.4 आपकी जो है इसकी पीएच वैल्यू है एल्कलाइन जिसे हम कहते हैं अब बात यह है कि एक व्यक्ति है 70 किलो का उसमें नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम पूछते हैं आपको मैंने बताया है कि पांच से पांच पॉइंट पांच पॉइंट पांच लीटर आपका जो है ब्लड देखने को मिलता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में सत्तर के जी ऑब्वियसली बात है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो इसमें जो ब्लड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी फा फाइव थाउजेंड मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पाँच जाएगा सीधी सी बात आ गई पांच लीटर बन जाएगा क्लियर हो गया आप लोगों को जी जी तो आंसर नंबर क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला आंसर बताइए इनमें से जो है हीट की यूनिट कौन सी नहीं है हीट की यूनिट कौन सी नहीं है सेंटीग्रेड की बात करें ये टेम्परेचर की यूनिट होती है पहली बात तो टेम्परेचर की यूनिट अगर आपको ऐसे यूनिट पूछा तो कैलविन होती है क्लियर और अदरवाइज सेंटिग्रेड भी यूज करते हैं फार्ना भी हम यूज करते हैं तो हीट की यूनिट जो है सेंटीग्रेड नहीं होती जो है अर्ग तो होती है जूल भी होती है एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है टेन एक्सटूपर माइनस सेवन अर्ग के बराबर देखने को मिलता है ये वैल्यू याद करके रखना ये वैल्यू याद करके रखनी है डेट इज वन अर्ग सॉरी ये वन अर्ग है वन एक सेकंड को वन अर्ग इक्वल टू टेन टू पावर माइनस सेवन के जी ये आपको याद इट्स नॉट के जी इट्स जूल वन अर्ग इक्वल टू टेन टू पावर माइनस सेवन जूल इसको कहते हैं और एक होता है वन कैलरी वन कैलरी इक्वल टू सॉरी वन जूल एक सेकंड थोड़ा सा दिमाग पता नहीं। <laughs> कई बार ऐसा हो जाता है वन जूल इज एकल टू फोर पॉइंट टू कैलोरीज़ ठीक है ये आपको याद रखना है अरे यार एक सेकंड रुको आपको तो नहीं गलत करवाएंगे कोई बात नहीं कई बार कंफ्यूजन हो जाती है वन कैलरी इज टू फोर पॉइंट टू जूल ये वैल्यूज होती हैं ठीक है सो अर्ग जूल और कैलरी ये हीट की यूनिट होती हैं वन अर इज अर्ग इज इकल टू टेन एस टू पॉम माइनस सेवन जूल और वन कैलरी इज इकल टू फोर पॉइंट टू जूल क्लियर हो गया आप लोगों को <laughs> हो जाता है कभी कभी ठीक है ना तो लेकिन गलत नहीं कर रहे हूँ <laughs> जी तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सेंडिग्रेड इज द करेक्ट वन यस जी ए ऑप्शन इज द राइट वन ए ऑप्शन तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट याद रखना ठीक है जो मैंने आपको बताई है अभी चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है आपका नेसेसरी नहीं होता पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है सबको कार्बन डाइऑक्साइड आती है एटमोसफियर से हम पानी देते हैं डेट इज वाटर क्लियर उसके बाद आपकी सनलाइट आती है सनलाइट आपको पता है कि सनलाइट रेंज कौन सी होती है विजिबल लाइट आती है 400 हंड्रेड टू सेवन नैनोमीटर की लाइट आती है और साथ के साथ इसमें होता है आपका क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का उसमें क्लोरोफिल और ये दोनों मिलते हैं आपका सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स वाटर और ये बनाता है क्या ग्लूकोज क्लियर और ये होता है आपका ऑक्सीजन निकलता है ये जो ऑक्सीजन आया है ये वाटर के टूटने से आता है जिसे हम क्या कहते हैं फोटोलिस ऑफ वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है और इस मेथड को हम क्या कह देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर पानी का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है तो पानी का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या बना ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है तो आपका क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा और ये जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं उसको आप क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहा कहा जाता है तो आपको मेन रिक्वायरमेंट किसकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉटर की सनलाइट की, की और क्लोरोफिल की चार रिक्वायरमेंट चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने के लिए तो सनलाइट आ गया आपको मैंने बता दिया आपको वाटर आ गया ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती आपको मिनिमम नीड होती है ऑक्सीजन की तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन यस जी क्लियर ये जो बकवास कर रहा है ना इसको ब्लॉक करो ऐसे ना अपने आप ब्लॉक कर दिया करो ऐसे एलिमेंट ऐसे आप हमारी क्लास में नहीं चाहिए बच्चे जो दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देते ब्लॉक करो इसको जो भी बच्चा किसी किसी के लिए कुछ बोलता ना ब्लॉक कर दिया करो पूछा भी मत करो मेरे से ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे आपकी बकवास सुनी जाएगी आपको सबको पता है चीज़ें ठीक है ना और मेरी क्लास में तो मैं बिल्कुल बकवास नहीं सुनता ये जो तुम चैट बॉक्स में बात करते रहते हो तो, ये ब्लॉग होंगे सारे ब्लॉग होंगे जितने भी बकवास कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है ये करा दो वो करा दो पेपर में आ गए सर अब क्या कर रहे हैं सर हैं? सर मैराथन क्लास ले लो सर दो घंटे के ले लो सर पाँच घंटे के ले लो फिर पीछे पीछे आते रहते हो तो आंसर नंबर क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन ठीक है तो ये है जी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है सो दीज आर पूरा का पूरा का सेम चीज वही जो हमने डिस्कस करी है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह बन गया क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए <coughs> अगला क्वेश्चन देखिए जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द टेम्परेचर डजेंट नेगेटिव वैल्यू बताइए जी फटाफट बताइए इनमें से नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है कि किसकी कहीं नहीं हो सकती डजेंट है नहीं सकती कौन सा आपका इसमें है बताइए फटाफट बताइए जी बिल्कुल इनमें से देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आप इतना कंफ्यूज करोगे यार पता नहीं क्या टिक करें क्या टिक करें आपको हमेशा मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया है सेल्सियस फारनेट और कैलविन का उसको लिख लो पहले ठीक है तो डेट मीनस सी बाय हंड्रेड इजिकल टू के माइनस सॉरी एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एटीजल टू के माइनस टू सेवनटी थ्री अपॉन हंड्रेड क्लियर हो गया आप लोगों को इजिकल टू और एक आपका फॉर्मूला होता है किसका डेट uh, इज वाला र्यूमर uh, का फॉर्मूला होता है डेट इज आर बाई एटी आर बाई एटी क्लियर हो गया आप लोगों को इसमें ये एक तो फार्मूला आपको याद रखना है कोई भी चीज़ किसमें भी निकालने के लिए पूछ सकता है आपको सेल्सियस को फार्ने में सेल्सियस को कैलविन में सेल्सियस को र्यूमर में तो आपको सब कुछ इक्वल करना पड़ेगा यानी कि इन दोनों को इक्वल कर देना है अगर आपसे सेल्सियस और कैलविन पूछा तो वो कर देना है फार्नाहाइट पूछा तो कर देना है क्लियर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि यहां पर एक वैल्यू याद कर सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है यहां पे देखिए एप्सुलुट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जब एप्सुलूट जीरो टेम्परेचर होता है फारनाहाइट माइनस में चला जाता है कैलविन ज़ीरो होता है सेल्सियस भी माइनस में चला जाता है क्लियर हो गया आप लोगों को तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैलविन कभी भी जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा सो जीरो कैल्विन आपका एप्सुलूट टेम्परेचर होता है जहां पर सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ एक बराबर रह जाता है तो डैट मीनस ज़ीरो कैल्विन एप्सुलूट ज़ीरो तो कैल्विन कभी भी जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता याद रखें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता सेल्सियस और फारनाइट जो होते हैं वो किसके बराबर हो, जा? कब? So, और कब बराबर हो जाते हैं माइनस फोर्टी के ऊपर जो है ये बराबर हो जाते हैं याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर हो गया आप लोगों को जी समझ आया आप लोगों को यस yes. तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कैलविन इज द करेक्ट वन कैलविन क्लियर जी लविन इज द राइट वन वेरी गुड शाबाश ठीक है एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है देखिए ये फार्मूला आप कहीं पे भी याद कर सकते हैं मैं आपको एग्जांपल बता के बताता हूँ क्योंकि देखिए आप को आप रट्टाफिकेशन में जाते हैं लेकिन कुछ एक चीज़ पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर आ जाए जैसे कि अगर हम कहें वाटर जो बॉयल होता है वो आपको सबको पता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है आपको पेपर में ये क्वेश्चन डाल देते हैं अच्छा ये बताइए कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है वाटर आपका बॉयल करेगा एग्जाम्पल आपको फार्ने में दे देता है आपको इतना तो पता ना हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका सेल्सियस का टेम्परेचर है तो मतलब सेल्सियस और फार्ने को बराबर कर दो That means 100 by 100 is equal to f minus 32 upon 180. क्लियर ये 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 का 101 रह गया तो ये गया ये तो इधर इधर चला को ऐड रट्टा मार लेते हैं लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता है जैसे कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है चार डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्लियर तो आपसे ये पूछा जा सकता कि में बताओ. आपको आपको पता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेंटीग्रेड में होता है ऑप्शन आपको में दे सकते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तीन सौ दस हो जाएगा इस तरीके से आपको पेपर में कोई भी चीज पूछी जा सकती है क्लियर तो आपको ऑप्शन में बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है फॉर्मुला याद करके बैठ जाइए बस चलिए <coughs> अगला क्वेश्चन देखिए जी विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बताइए जी हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा होता है प्रोटीन आपको पता है कि किससे बना होगा अमीनो एसिड से और प्रोटीन में तीन चीजें होती हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्लियर हो गया नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन क्लियर हो गया आप लोगों को नाइट्रोजन इज अ असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन और जब नाइट्रोजन होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन है मतलब कहने का मतलब प्रोटीन उसमें आ जाएगा नाइट्रोजन इज द इसेंशियल प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है आपका क्या दैट इज सोयाबीन आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा और सोयाबीन में प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो आपको हो जाता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जाने के आपका प्रोटीन की कमी इसमें दो रोग हो जाते हैं क्वाशियरकर और मरासमस क्वाशियरकर में क्या हो जाता है हड्डियां पतली हो जाती हैं लेग्स और हैंड्स पतले हो जाते हैं और स्टमक जो होता है टमी जो होता है वो बाहर को निकल आता है तो डैट इज कॉल्ड क्वाशियरकर मरासमस में क्या हो जाता है जो मसल होती हैं वो डीली पड़ जाती हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आती है तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन सोयाबीन चलिए जी अगला आंसर बताइए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था मैं मतलब क्वेश्चन को आंसर ही नहीं निकाल पाया लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि पूछना क्या चाह रहा है क्योंकि दिमाग क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या पूछ रहा है वो विच फ्रूट हैज़ इट्स सीड आउटसाइड मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा फल है जिसके बीज जो होते हैं बाहर होते हैं फिर मैं इनके दिमाग पिक्चर दिमाग में लेके आ रहा हूँ कि क्या है क्या है क्या है, क्या है तो एकदम से याद आया कि स्ट्रॉबेरी जो होती है उसको सीधा खा लेते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो ऐसे ऐसे लगे होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं एक्नेज एक्नेज कहा जाता है तो स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं जिसको हम एज इट इज़ खा लेते हैं तो डैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन स्ट्रॉबेरी इज द राइट वन और मैंने आपको बताया था कि फ्रूट क्या होता है फ्रूट इज ए राइपन ओवरी फ्रूट इज ए राइपंड ओवरी याद रखिए आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर स्ट्रॉबेरी इन साइड आउट क्लियर सो दिस इज द स्ट्रॉबेरी चलिए अगला आंसर बताइए इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडिवर्सिटी जैविक विविधता का जो ईयर था वो कौन सा था बायोडिवर्सिटी ईयर जो है वो कौन सा था डेट वॉज दो हजार दस टू थाउजेंड टेन ईयर ऑफ बायोडिवर्सिटी था 2010 जो है आपका डेट इज टू थाउजेंड टेन इजा जैविक विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था अगर आपसे पूछूं कि हमारा 2021 वाला 2021 का जो ईयर है वो क्या है सो दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब सतत विकास के लिए हमारा जो है ये ईयर है क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 2010 इज द राइट वन 2010 क्लियर और 21 वाला आपको मैंने बता ही दिया ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए ठीक है काफी बच्चे लिख भी रहे हैं कि हमारा बायोडिवर्सिटी डे कब होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बायोडिवर्सिटी डे कब होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पूछना चाह रहा हूं काफी बच्चे तो उसका आंसर ऑलरेडी दे रहे हैं बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे सो टू थाउजेंड टेन इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडिवर्सिटी चलिए जी अगला आंसर बताइए शाबाश बहुत बढ़िया द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा जो सोर्स है आपका पोल्यूशन का वर्ल्ड के अंतर्गत वो कौन सा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है आपका इसमें से कौन सा है आपको मैं बता दूं आपको पता होगा आजकल जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं ठीक है तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है सीवेज और गारबेज तो यही है आपका ठीक है यानी कि सीवेज और गारबेज कूड़ा कचरा वगैरह ये सबसे बड़ा जो है आपका लार्जेस्ट सोर्स है पोल्यूशन का वर्ल्ड में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्क है ये इंपॉर्टेंट काम मतलब क्वेश्चन है ये तो आंसर नंबर सी Not D, it's C. क्लियर अनट्रीटेड जो आप देखेंगे कि कुछ भी गंद मंद होता है लेक्स के अंदर रिवर्स के अंदर ऐसी फेंक देते हैं आप भी फेंकते हो यार ऐसा थोड़ा है आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल है आपके पास चलती चलती नदी नजर आई पानी नजर आया ऐसी कार से भगा के ऐसे मारी कोई आपने खाया पिया था ठीक है कुछ भी खाया पिया था लिफाफे में आपके छिलके पड़े हैं कि हम बाहर कहीं पर फेंकेंगे ठीक है वो छिलके जैसी पानी आया चल मारा ऐसे पानी में तो डैट मीन्स वो क्या है सीवेज का काम कर रहे हैं और कचरा पड़ा है उसमें जिसके आपका प्रॉपर तरीके से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पोल्यूशन की गंगा क्लीन वाटर हमेशा करते रहते हैं हम तो कितना पैसा हमारा लगता है उसके रीजन भी हम हैं हम ही लोग हैं जो इतना गंद फैलाते हैं कभी प्लास्टिक प्लास्टिक की बॉटल हो कुछ भी हो गली में ऐसे फेंक दी नाली में चली जाती है ठीक है कचरे की बॉटल में फेंक कचरे की डिब्बे में फेंक दिए और वो डिब्बा जो है आपका बाहर जा रहा है या कुछ भी इस तरीके से तो ये रीजन है आपके यस yes. क्लियर हो गया आप लोगों चलिए अगला देखिए जी क्वेश्चन देखिए जब भी हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं जाने कि उसको छीलते हैं तो वॉश करते हैं फिर उसके बाद कौन सा विटामिन जो है उसमें से रिमूव हो जाता है यस बताइए उसमें से कौन सा जो विटामिन है वो रिमूव हो जाता है सीधी सी बात है जब भी हम खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन का लॉस होता है और विटामिन में कौन सा जो वाटर सॉलेबल होते हैं पानी में सॉलेबल डैट इज बी और सी दैट मीन्स बी और सी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और बी और सी में भी सबसे ज़्यादा किसका सी का विटामिन सी का तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो विटामिन सी की ही बात कर रहा है तो आंसर नंबर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विटामिन सी जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है स्कर्वी और स्कर्वी जो है आपका उससे क्या होगा मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लग जाती है ब्लीडिंग आने लगी फ्रॉम द गम्स क्लियर और विटामिन सी हमेशा हमें प्लांट फूड से मिलता है नो एनिमल फूड इसीलिए हम कहते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता विटामिन सी नहीं होता विटामिन सी भी नहीं होता और आयरन भी नहीं होता क्योंकि विटामिन सी किसकी ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किसके अब्शोषण में हेल्प करता है आपके आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में क्लियर तो आंसर नंबर बी इज द राइट वन विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरो अपथैल में देखने को मिलता है विटामिन डी होता है सनशाइन विटामिन जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हड्डियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई e जो होता है ये होता है टोकोफिरोल टोकोफिरोल क्लियर इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इसको एंटी स्टाइल विटामिन भी कहा जाता है तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विटामिन सी इज द राइट वन विटामिन सी ये विटामिन डी के सोर्सेज लिख रखे हैं चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर बताइए जी हम हार्ट बीट जो है एक मिनट में कितनी हार्ट बीट सुनते हैं हमारी हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होती है सिंपल सा क्वेश्चन है तो दिस इज सेवेंटी टू टाइम्स बहत्तर जो हार्ट बीट करता है वो क्या होता है आपका एक मिनट में बहत्तर टाइम और यहां से हम आते हैं पल्स रेट पल्स रेट पल्स रेट भी एक मिनट में कितनी होती है बहत्तर टाइम क्लियर हो गया आप लोगों को बहत्तर टाइम दोनों चीजें देखने को मिलती हैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं आपके दिमाग में अगर आपसे पूछा कि एक मिनट के के अंदर कितनी होती है बहत्तर बीट होती है तो अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि एक हार्ट बीट कितने टाइम में होती है तो डैट मीन 60 मिनट का मतलब क्या होगा 60 सेकेंड 60 सेकंड में बहत्तर हार्ट बीट होती हैं, तो एक हार्ट बीट निकालने के लिए आप क्या करेंगे 60 बाय 72, टू डेट पॉइंट एट सेकेंड में जो है आपकी एक हार्ट बीट होती है हार्ट बीट का मतलब क्या होता है हार्ट बीट का मतलब होता है ऑरिकल और वेंटिकल क्लोज एंड ओपन हो रहे हैं इस तरीके से क्लियर डैट मीन्स आपका जो है जो जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सेवनटी टू टाइम इज द राइट वन ह्यूमन हार्ट क्लियर अच्छा आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हम मापते हैं ये दबाते हैं यहाँ से क्या चीज़ दबाई जाती है और जब भी हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं तो यहाँ से आप कफ भरते हो तो उसमें आपकी कौन सी चीज़ जो होती है वो ब्लड ब्लड जो है उसका अ, मतलब कॉन्टेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा होता है कहाँ से मापी जाती है तो ये धमनियों से मापी जाती है आर्टरी से मापी जाती है ध्यान रखना जो पल्स रेट होती है और हार्ट बीट होती है कहां से मापी जाती है आर्टरी से ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अगला आंसर बताइए टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम सीधी सी बात है दांत हमारे हड्डियां जो हैं हड्डियाँ जो स्ट्रेंथ लेती हैं वो कहाँ से लेंगे कैल्शियम से दोनों चीज़ें कैल्शियम की बनी होती हैं आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट वन फ्लोरीन जो होता है अगर हम एक्सेस खा जाएं हमारी बॉडी ज़्यादा ले ले फ्लोरीन तो उससे क्या हो जाता है फ्लोरोसिस हो जाता है फ्लोरोसिस जो हमारी दो चीज़ों में होती है एक तो दांतों में जिसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कह देते हैं और एक हमारे कंकाल में दैट इज़ कैल्टल फ्लोरोसिस उसको कह दिया जाता है क्लियर सोडियम की बात करें सोडियम और पोटासियम आयन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो एसिड बेस बैलेंस को आपको हेल्प करते हैं कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स मांसपेशियों का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में आपको हेल्प करते हैं याद रखना और क्लोरीन मैंने आपको बता ही दिया था जो हमारी म्यूनसिपैलिटी वगैरह में यूज़ करी जाती हैं डिसइनफेक्टेंट यूज़ किया जाता है एज ए क्लियर तो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की याद रखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं अगला बताइए अगला क्वेश्चन देखिए जी, विच इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्रंथी जो है वो किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथी जो कहते हैं वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथी को कहा जाता है आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी मास्टर ग्लैंड होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड ये क्या करती है सारी ग्लैंड्स को क्या करती है एक्टिवेट करती है और वो अपने हॉर्मोन निकालते हैं आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एड्रनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर होती है और यहाँ से एक हॉर्मोन निकलता है डैट इज कॉल्ड एड्रीनालिन एड्रीनालिन जिसे आप और क्या कहते हैं एपिनेफ्रिन और इसको और क्या कहते हैं डैट इज एमरजेंसी हारमोन एमरजेंसी हॉर्मोन क्लियर और इसको और क्या कहते हैं थ्री एफ हॉर्मोन दैट इज फाइट फ्लाइट फियर फाइट फ्लाइट फियर हॉर्मोन कहा जाता है क्योंकि जब एड्रीना एड्रीनलिन निकलता है तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है इंक्रीज हो रही होती है उस टाइम पे ये एड्रीनलिन हॉर्मोन निकलता है थायरॉयड मैंने आपको बताया था पैराथायरॉयड जो होती है वो थाइरॉयड ग्लैंड के पीछे लगी होती है और इससे दो रो तो दो हॉर्मोन निकलते हैं एक तो पैराथायरॉयड हॉर्मोन और एक आपका कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे यहाँ पे दैट इज द सेला टर्किका दैट इज ये एक बेस होता है और ये मास्टर ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस द्वारा ये जो है कंट्रोल करी जाती है हाइपोथेलमस को हम दो नामों से और जानते हैं हाइपोथेलमस में सॉरी दो सेंटर हैं एक तो आपका हंगर सेंटर जो भूख को कंट्रोल करने वाला अगेन हाइपोथैलमस, प्यास को कंट्रोल करने वाला दैट इज हाइपोथैलमस क्लियर दैट इज हंगर एंड थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज हाइपोथैलमस याद रखना अब जैसे मेरे से पानी कंट्रोल नहीं हो पा रहा पानी मुझे पीना है तो दैट मीनस मेरा हाइपोथैलमस काम नहीं कर रहा ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट अगला बताइए रेबीज क्या होता है वट इज रेबीज रेबीज इज ए रेबीज क्या है रेबीज एक वायरल डिजीज है दैट इज डी ऑप्शन वायरल डिजीज है क्लियर हो गया आप लोगों को वायरल डिजीज क्योंकि रेबीज जो है रेबीज वायरस से होती है रेबीज वायरस का नाम है अगर ये हो जाए तो आपको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है जाने के पानी से पानी से डर लगने लग जाता है अगर किसी डॉग को रेबीज हो रखी हो और आपको काट ले तो आपको रेबीज हो जाएगा ध्यान रखना आंसर नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर वायरल डिजीज़ ठीक है डैट इज़ रेबिड एनिमल डॉग के काटने से इन्फेक्शंस बहुत सारी होंगी ये वेम्पायर बैट्स ठीक है डॉग वॉल फॉक्स ये रेजरवायर हैं ये हमारे सलाइवा से जो उसका सलाइवा होता है वो हमारी हड्डी में चला हमारे मांस में हमारे जो है वून जो होता है जख्म में अंदर चला जाएगा और हमारे जो है दैट uh, इज uh, नुकसान पहुंचाएगा चलिए अगला आंसर बताइए पानी से डर लगने लग जाता है, बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन देखिए आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज जो आइस होता है उसको हम सॉ डस्ट में पैक कर देते हैं यानी कि जो वो होता है ना आ, बुरादा आ, जो आ, उसमें होता है डैडीज लकड़ी का बुरादा लगा लो या फिर वो लगा लो जो हम पशुओं को खिलाते हैं ये गाय भैंस को खिलाते हैं ठीक है तो उसमें जो आइस को अगर हम रख दें तो आइस पिघलती नहीं है इट मीन्स जब आइस पिघलेगी नहीं तो इट मीन्स क्या हो गया कि वो गुड कंडक्टर हुआ या बैड कंडक्टर हुआ हीट का तो अगर वो गुड कंडक्टर होता तो डेट मीन वो हीट ले रहा होता तो भाई आइस पिघल जाती अगर वो बैड कंडक्टर है तो बाहर से हीट उसके अंदर नहीं जा रही जिसके कारण बर्फ पिघल नहीं रही तो डस्ट क्या होता है सो दिस इज द बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी बिल्कुल सही डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर चलिए जी अगला आंसर बताइए वेन ए स्टोन इज थ्रोन इन इन काम वाटर ऑफ पॉन वेव्स प्रोड्यूज आर देखिए जी आपने देखा होगा पानी खड़ा हुआ है उसमें आपने पत्थर मारा ठीक है तो उसमें तरंगे कौन सी आती हैं उसमें तरंगे दो तरीके की होती हैं एक तो लंबी ऐसे जाती हैं क्लियर सो दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव जो परपेंडिकुलर होती हैं तो ये भी आपकी प्रोड्यूस होती हैं तो डेट मीन्स दोनों ही आपकी यहाँ से प्रोड्यूस होंगी डेट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों ही आपकी जो है वहाँ से आती हैं यस कॉम्बिनेशन आता है जी 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 वाटर वेव जो होती हैं वो सर्कल बना के जाती हैं क्लॉकवाइज जाती हैं क्लियर हो गया आप लोगों को दोनों ही आएंगी लॉन्गीट्यूनल और ट्रांसफर्स वेव दोनों प्रोड्यूस होती हैं सो so, ऐसे एक तो ऐसे आता है बिल्कुल और एक इस तरीके से भी ट्रांसफ़र होती हैं लॉन्गीट्यूनल एंड ट्रांसवर्स वेव अगला बताइए जो सन होता है वो लाल रंग का दिखता है जब सन राइज हो रहा हो और सनसेट हो रहा हो मतलब क्या हो गया सूर्योद्याय सूर्य सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होना तो ये लाल कलर दिखता है आपको इसका रीज़न क्या होता है एक्चुअली रीज़न ये होता है कि सारे कलर वो स्कैटर्ड कर देता है लेकिन लाल कलर को वो स्केटर्ड नहीं कर पाता जिसके कारण हमें क्या करता है जिसके कारण हमें जो है वो क्या दिखता है आपका यस yes. जी बताएंगे इसका क्वेश्चन बी और सी चलो <laughs> इस क्वेश्चन का होमवर्क ले लो फिर इसमें दो ऑप्शन बनते हैं दोनों में से एक क्लियर है आपका ठीक है और ये बताइए कि वो लाल कलर को स्कैटर्ड कर देता है या लाल कलर को स्कैटर्ड नहीं होने देता ये आपका होमवर्क है बी बनेगा या सी बनेगा या ए बनेगा या डी बनेगा कौन सा बनेगा तो ये सन का ये क्वेश्चन है इसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क है आपका आंसर बताना इसका क्या बनेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं चलिए अगला बताइए विच काफी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं मैं आपको बता दूं जिसमें मैं देख रहा हूं विच phenomena डू बैट और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे predators और obstacles? क्या होता है देखिए जी बैट्स और डॉल्फिन जो होते हैं ये कौन सी वेव छोड़ते हैं अल्ट्रासोनिक जब अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती है इज ग्रेटर देन टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स क्लियर हो गया क्या होता है जैसी साउंड छोड़ी ये सपोज गई साउंड यहां पे और यहां से वो ट्रैवल करेगी वापस तो अगर ये ऐसे करती है ठीक है तो इस तरीके से अगर वो जा रही है तो डेट मीन वो क्या पर, कर रही है इको प्रोड्यूस कर रही है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप आ, कोई घर नया बन रहा होता है ठीक है या फिर आप घर खाली है आपका तो जैसे आप कहीं पर आवाज देंगे तो आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही होगी डेट इज इको क्लियर और इको प्रोड्यूस करने के लिए सेवनटीन मीटर का जो है आपको डिस्टेंस चाहिए होता है मिनिमम तो बैट और डॉल्फिन जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं और और ये इको के मेथड से जो है वो अपने प्रेडेटर्स को और प्रे को पहचान लेते हैं आंसर नंबर डी इज अ करेक्ट वन यस डी ऑप्शन ठीक है सोनार मेथड भी लगा लो वो भी सारा काम वैसे ही करता है आपका अगला क्वेश्चन देखिए ए फ्लाइंग जेट पोजेसिस क्या होता है जब कोई उड़ता वायुयान है उसमें क्या होगा देखिए जी अगर मैं कहूँगी जेट यहाँ से यहाँ पे गया ठीक है यहाँ पे जब गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी आई काइनेटिक काने, एनर्जी आई क्लियर क्योंकि वो मोशन में है फिर वो क्या हुआ जैसे ही वो आपने उसने एक पोजिशन ले ली ठीक है मतलब वो एक स्टेटोस्फियर में चलेगा तो स्टेटोस्फीयर में वो सीधा सीधा चलता जाएगा ना हिलेगा ना इधर ना उधर क्लियर तो वो कौन सी एनर्जी आ जाएगी आपकी एक शेप किया जाएगी स्थिति की आ पोटेंशियल एनर्जी तो दीस काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसमें और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है तो दैट मीन्स डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही उसमें देखने को आपको मिलती है आंसर नंबर डी अगला बताइए जी टंगस्टन को जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है एज ए फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता है टंगस्टन को मन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सॉरी फिलामेंट यूज यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा क्यों क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्लियर उच्च गुलनांक होता है आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर उच्च गलनांक होता है येस बिल्कुल डी इज़ द राइट वन बल्ब के अंदर जो है आपकी गैस वगैरह कौन सी होती है आर्गन बरकरी भी यूज़ करते थे लेकिन आर्गन यूज़ करते हैं याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर सो सुगैज़ ये थे आज की के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए बाकी अपडेट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे वन लाख फोर्टी वन थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं कोई एग्जाम होता है तो आप मुझे इस ई मेल के ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो क्लियर जैसे अभी हमने साइंस के एम सी डिस्कस किए ऐसे ही अगर आप मेरे से साइंस पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी जो भी हमारे टॉपिक्स आते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एम सी यू कोर्स जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम सी यू करते हैं डिटेल में प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके डिस्कस किए जाते हैं जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एस एस सी रेलवे डिफेंस स्टेट एग्जाम स्टेट पी सी एस जितने भी आपके पेपर हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं और प्लस मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है तो मॉक टेस्ट भी आप इसमें देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है तो ये वाले मॉक टेस्ट दें और अपना अटैम्प्ट देखें जी एस कोर्स हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके अंदर हमने समझा है अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से या तो आप स्टडी आई क्यू ऐप से ले सकते हैं या फिर आप इसको वेबसाइट से ले सकते हैं स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जी एस कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और टेन थाउजेंड एम सी का कोर्स दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं और मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा था तो मॉक टेस्ट नंबर आठ आएगा हमारा एटीन ऑफ सेप्टेंबर को 18 सितंबर को इसमें अपलोड होगा और ये लेवल क्या होता है हमारा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन और ये कहाँ पे आता है हमारे 10,000 थाउजेंड पेड कोर्स में क्लियर हो गया आप लोगों को यस क्लियर सो गाइस टेक केयर अच्छे से पढ़ें तैयारी करें और मिलते हैं कल वाली क्लास में और कल मैराथन होगी रात को तो पढ़ना मत भूलो आना मत भूलना उस क्लास में सो थैंक यू सो मच गुड लक टेक केयर बाय जय हिंद